रिपोर्ट में बात करने जा रहे हैं ये मोहब्बतें की स्टार दिव्यंका त्रिपाठी के बारे में। जी हाँ, दिव्यंका त्रिपाठी का जन्म मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में दिसंबर 1994 को हुआ था। दिव्यंका के माता पिता को हमेशा से एक लड़की की ख्वाहिश थी और शायद यही वजह थी कि उनके माता पिता उन्हें लड़कों की तरह तैयार करते थे। बचपन में दिव्यंका बॉयकट बाल रखती थी। उनका चलना फिरना और शौक सभी लड़कों के वाले थे। दिव्यंका की शुरुआती पढ़ाई भी भोपाल में ही हुई थी। उन्हें खेल कूद का बहुत शौक था और उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में उतरने के बारे में कभी सपने में भी नहीं सोचा था। यही दिव्यंका आज छोटे पर्दे के सबसे ज्यादा टीआरपी वाले शो में से एक लीडिंग लेडी बन चुकी हैं। दिव्यंका इस मुकाम तक किस तरह पहुंची, आइए हम आपको बताते हैं। दिव्यंका एनसीसी की कैंडिडेट रही हैं और वे आर्मी में जाकर देश की सेवा करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने भोपाल राइफल अकेडमी ज्वाइन भी की और कुछ प्रतियोगिताओं में मेडल्स भी जीते। दिव्यंका को हमेशा से सेना में जाना था, तो ये हैरानी की बात है कि वो अचानक पर्दे की ओर कैसे मुड़ गई। असल में दिव्यंका ने कुछ वक्त तक भोपाल में आकाशवाणी के लिए कुछ वक्त अर्जक के तौर पर काम किया था। 2003 में उन्होंने ब्यूटीफुल टीन का टाइटल जीता और इसके बाद जी टीवी के शो जी स्टार्स की खोज में हिस्सा लिया और विजय रही। 2005 में दिव्यंका को मिस भोपाल के ताज से भी नवाजा गया। यहीं से शुरुआत हुई दिव्यंका के एक्टिंग करियर की। दिव्यंका ने शुरुआत ही दूरदर्शन के शो टेलीफिल्म से की थी। इससे मेकर्स इतने ज़्यादा खुश हुए कि उन्होंने मैं बनूं तेरी दुल्हन के ऑडिशन के लिए उन्हें मुंबई बुलाया। इस शो के लिए उन्हें शरद मल्होत्रा के अपोजिट रोल मिला और इसके बाद उन्होंने अपनी पहचान बनाई। इसके बाद दिव्यंका के कई छोटे बड़े सीरियल में काम किया। उन्हें सबसे बड़ा मौका साल 2013 में मिला। दिव्यंका को इस शो के लिए अब तक ढेरों अवार्ड मिल चुके हैं। इस शो के शुरू होने के बाद दिव्यंका देखते ही देखते लोगों की कब चहेती बन गई पता ही नहीं चला। दिव्यंका की लव लाइफ की बात करें तो 9 साल तक रिलेशन में रहने के बाद दिव्यंका ने 16 जनवरी 2016 को शादी कर ली। दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी रिपोर्ट कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। नेक्स्ट नाइन लाइफ से गीतांजलि की रिपोर्ट।